हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फायदा उस चीज का जब 6 बजे के बाद हम लोग अपने घरों से लड़कियों को ही बाहर नहीं भेज सकते। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो और फाइटर जेट तक क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसको धीरे धीरे चल के स्टेज तक जाना होगा और वो भी 4 लोग पकड़ के ले जाएंगे उसको। वहीं लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन। एक लड़की ने भले ही PhD कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर जाना होगा तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ा के उसको दूसरे घर विदा कर देती है, बाकी के 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की धज्जियां उड़ती हैं और इससे बड़ी वॉर कोई हो नहीं सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल सबसे ज्यादा अनसेफ कहां रहती है, तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब वो घर से बाहर होती हैं तो वो सबसे ज्यादा अनसेफ रहती है, उनको सबसे ज्यादा खतरा घर के बाहर रहता है। जब वो ट्रैवल कर रही होती है अनजान जगह या वो अनजान लोगों में होती हैं, वो उनको सबसे ज्यादा खतरा तभी होता है। और मैं भी यही सोचता था जब तक मेरे पास डेटा नहीं आया था, और वो डेटा मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आज की डेट तक लड़कियों के ऊपर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं उसमें से 70% घर के अंदर हुए हैं, और आज की डेट तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उसमें से 90% केसेस विक्टिम के घर में उनके दूर के या पास के जानने वालों ने किए हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाएं, उससे ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी मर्जी के बिना घर में उससे पैसे ले लिए जाएं। 5 लाख लड़कियों को हम लोग हर साल मार देते हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। 63 मिलियन, 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजन घर में बैठ के लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हर किसी के पास साम्राज्य बहुत ज्यादा है, तो हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत होती है। जो इंसान बीड़ी भी उधार मांग के पी रहा है उसको भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक वंशज की जरूरत होती है। और ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ, और इन सब के लिंक मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वैलिडेट कर लीजिएगा। तो इस डेटा से इतना तो समझ में आ गया कि लड़कियां बाहर की बजाय घर के अंदर अनसेफ हैं, और लड़कियां लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन में 48% फीमेल हैं और 52% मेल हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमारी 48% पॉपुलेशन लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी बन गई है? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, जो कमज़ोर होता है उसको दबाया जाता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसको लगेगा कि आपसे पंगा लेके वो बच सकता है। तो इसका मतलब यह है कि लड़कियां वीक हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने लड़का और लड़की एकदम बराबर बनाए हैं, दोनों में सिमिलैरिटी रखी है, डिफरेंस कुछ नहीं रखा है। कुछ डिफरेंस रखे हैं और वो डिफरेंस इसलिए रखे हैं ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं रखे हैं कि कौन VP बनेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन कार चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा, या कौन घर के बाहर रहेगा, कौन घर के अंदर रहेगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रेलेवेंट होती तो पूरी दुनिया के ऊपर सारे पहलवान रूल कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो नहीं है, लेकिन इनको पर्पजली वीक बनाया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग के तहत वीक बनाया जाता है, और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बच्चा होता है, अगर लड़की होती है तो बारबी डॉल, घर घर सारे केयरिंग और कोऑपरेटिव गेम दिए जाते हैं, और लड़का होता है तो उसे गन पकड़ा दी जाती है, कार रेसिंग, सुपरमैन, सारे अग्रेसिव और कॉम्पिटेटिव गेम दिए जाते हैं। ये बच्चों की चॉइस नहीं होती है, ये उनकी चॉइस बनाई जाती है। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं, लड़कियों की तरह रो रहा है, माँ बाप ये सारी चीज़ें लड़के को जब बोल रहे होते हैं तो वहीं बगल में उसकी बहन भी ये सारी चीज़ें सुन रही होती है, तो वो क्या सोचेगी कि लड़कियों की तरह भागना यानी कि बहुत बेकार भागना होता है? एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन अगर एक लड़का लड़की के कपड़े पहन लेगा तो ऐसे कर देंगे जैसे कि एक किसी बहुत ही छोटे आदमी के कपड़े पहन लिए, कि लड़कियों की तरह कपड़े पहने। एक एज आते ही लड़कियों को समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, और घर वापस कितने बजे तक आ जाना है, लेकिन लड़कों के लिए पूरी फ्रीडम है। एक लड़का जिप खोल के यूरिनेट कर देता है रोड पे, वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसी रोड पे अगर एक लड़की स्कर्ट पहन के चली जाएगी तो वो बहुत एबनॉर्मल है। अगर आप देखें तो दोनों में से क्या ज़्यादा एबनॉर्मल है? एक लड़की ने भले ही PhD कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर जाना होगा तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। एक्चुअल में अगर उस लड़की के ऊपर कोई थ्रेट हो भी जाए तो वो 5 साल का बच्चा उसको कुछ कर नहीं सकता, बचा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग और रक्षक समझता है और लड़कियों को वीक समझता है। और बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि लड़कों के दिमाग पे हावी हो जाती है, वो दुनिया में किसी से भी हार जाएंगे लेकिन लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लड़का सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जब उसको कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है, और कहीं ना कहीं ये अटैक जो होते हैं, जो रेप केसेस होते हैं, इनके भी पीछे कहीं ना कहीं यही साइकोलॉजी काम करती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, किसी भी चीज के कंपैरेटिवली, लेकिन बैंकों में हर रोज चोरी नहीं होती है क्योंकि सबको पता है कि वहां का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो वहां पे चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, उनको फांसी नहीं होगी लेकिन वो पकड़े जाएंगे।
लेकिन रेप केस आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल को ऐसा लगता है कि उसका विक्टिम बहुत वीक है और यहाँ पे अगर वो क्राइम करेगा तो बच के निकल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी यही सेम साइकोलॉजी काम करती है। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि शादी से पहले ही किसी न किसी रस्म रिवाज से ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए कि लड़की लड़के से वीक होती है। और ये मैं सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी रिलीजन उठा के देखेंगे सब में है ये। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो और फाइटर जेट तक क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसको धीरे धीरे चल के स्टेज तक जाना होगा और वो भी चार लोग पकड़ के ले जाएंगे उसको। वहीं लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन, और उस एक दिन का नकली राजा बनने के लिए वो कई टाइम तक EMI जमा करता है। और इनके नाम भी बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, स्वामी, खामीन, शौहर, पति, हस्बैंड, करोड़पति यानी करोड़ों का मालिक, तो पहले से ही उसको मालिक बोल दे रहे हैं। तो इस छोटी छोटी चीज़ों से अनसेड कम्युनिकेशन में बताया जाता है कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। हमारी सोसाइटी मेक श्योर करती है कि लड़कियों के हाथ में कुछ हो ही नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक इंसान के दो बच्चे हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो दोनों में हाफ हाफ होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, लेकिन हमारी सोसाइटी नहीं कहती है। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ा के उसको दूसरे घर विदा कर देती है, बाकी के 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है। और वो 5% भी कहने के लिए उस लड़की का होता है। अगर वो उस पैसे से कोई ट्रैवल करना चाहे या कोई कोर्स करना चाहे या कोई कार खरीदना चाहे तो कर नहीं सकती है। वो एक्चुअल में पैसा तो उसी का है, लेकिन उस पैसे का करना क्या है वो हम बताएंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो पहली चीज़ तो अगर माँ बाप के पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले ही लड़की कितनी भी टैलेंटेड हो। और इन केस लड़की को पढ़ा भी दिया तो उनको भ्रम हो जाता है कि हमने तो लड़की की एजुकेशन करा दी है, वो कहीं भी मात नहीं खाएगी। और जब उसके हाथ में ही कुछ नहीं है तो चाहे आप कितनी भी एजुकेशन करा लीजिए वो तो मात ही खाएगी। मायके में उन्हें पराए घर जाना है और ससुराल में तो वो पराए घर से आई हैं, तो उनका एक्चुअल घर कौन सा होता है ये तो आज भी एक रहस्य है। और आप घर के बाहर अगर नेम प्लेट भी देखेंगे तो कभी भी घर की बहुओं का नाम नहीं लिखा होता, ताकि उनको पता रहे जब वो घर के अंदर आए तो ये घर किसका है। और गलती से अगर लड़की अपने पैसों से घर खरीद ले या माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो उसका क्रेडिट भी लड़कों को दे देते हैं कि भैया हमें तो लड़की नहीं, हमें तो भगवान ने लड़का दिया है, उसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिलता। 3 में से 1 औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो दुनिया में कोई भी वायलेंस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए करता है। और सेम ये चीज़ यहाँ भी होती है, फाइनेंशियली तो उनको वीक कर दिया जाता है और उन पर कंट्रोल पाने के लिए उन पर वायलेंस होता है। अब ये वायलेंस अलग अलग तरीके से होते हैं, हर घर घर के हिसाब से अलग होता है। कहीं पे फिजिकल वायलेंस होता है, कहीं पे फाइनेंशियल वायलेंस होता है, कहीं पे मेंटली हरास किया जाता है, तो हर घर के हिसाब से अलग होता है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा और फिर मैनिपुलेशन होगा। और इस मैनिपुलेशन में आपको समझाया जाएगा कि कई कई बार में तो ये बोला जाएगा कि आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। और कुछ लोग मेल एग्रेशन भी इसके पीछे रीजन बताएंगे आपको, जबकि मेल एग्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाया। और मेल एग्रेशन अगर एग्जिस्ट करता भी तो हर जगह सेम रहता। एक आदमी फीमेल बॉस से गाली खाता है, वहाँ हाथ नहीं उठाता। फीमेल कलीग्स होती हैं, उन पर हाथ नहीं उठाता। रस्ते में इतनी फीमेल मिलेंगी, उनसे कभी हाथ नहीं उठाएगा। घर के अंदर भी चाची, ताई, बुआ सब लोग होंगी, सबको छोड़ के उसे अपनी टेरिटरी बहुत अच्छे से पता होती है, वो उसी के ऊपर हाथ उठाता है। उसको पता है कि उसकी हैसियत कहाँ तक सीमित है। और जब भी आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो आदमी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होता है वही लड़की पे हाथ उठाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, लेकिन 3 में से 1 औरत के ऊपर हाथ उठता है। इसका मतलब कि 33% मर्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्रिमिनल है, और सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनकी किसी ने कंप्लेन नहीं की है। आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर का होता है। कोई भी कंट्री अपनी 48% पॉपुलेशन को इनकेपेबल बना के आगे नहीं बढ़ सकती है। सेम यही चीज़ घरों में होती है, वो घर ज़्यादा आगे बढ़ता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों केपेबल होते हैं। जब हम लोग गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स हम लोगों को जहर खिला खिला के नहीं मार रहे थे, वो लोग भी यही कर रहे थे, हमें इक्वल नहीं समझ रहे थे, हमारे अधिकार छीन रहे थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और इस चीज़ के लिए हमने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और जब वो आज़ादी हमें मिली तो हमने अपनी 48% पॉपुलेशन के साथ भी वही किया जो हमारे साथ होता आया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक मर्द और एक औरत बराबर है, लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से नहीं है। अब सोसाइटी या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा ले या फिर ये बात मान ले कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब 6 बजे के बाद हम लोग अपने घरों से लड़कियों को ही बाहर नहीं भेज सकते। अब 6 बजे के बाद अगर वो बाहर जाती है तो उसका रिस्क है, और गलती भी उसी की है, क्योंकि बाहर जो लड़का है वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, गलती तो सिर्फ और सिर्फ लड़की की है। भरी बस में एक सिर्फ कंधा टच होने से अगर जिसको मजा आ जाए वो इंसान है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की धज्जियाँ उड़ती हैं,
और इससे बड़ी वॉर कोई हो नहीं सकती। पूरी दुनिया में करे जाने वाले कामों में एक फीमेल मेल के कंपैरेटिवली दुगना काम करती है। उसके बाद भी 99% जजेस मेल हैं, 90% सैलरी लड़के उठाते हैं, पार्लियामेंट में 80% सीटों पे मेल बैठे हैं, पूरी दुनिया में 80% प्रॉपर्टी पे लड़के ओनर हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इन सब चीजों के पीछे लड़के जिम्मेदार हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ये एक सोसाइटी की सोच है, उसके अगेंस्ट में डिस्कस करी है। इस सोच को मानने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और इस सोच के अगेंस्ट में लड़ने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और रही बात फेक फेमिनिज्म और जो लड़कों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसकी भी एग्जिस्टेंस है, अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज जो हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये वुमेन राइट के इशू नहीं है, ये ह्यूमन राइट के इशू है।